शुद्धाः पूतये सितो यज्ञयान आपश्चरुमव शरुमव सर्पन्तु शुद्धाः अदुहु प्रजां बहुलां पशुनः पक्तौ वनस्तय सुकृतानि तु लोकं स्वाहा। जितना भी ज्ञान लिया जाए इस जीवन में ले लो ना, आगे कमाएगा अगले जीवन में। कमाया हुआ धन जरूरी है, लेकिन यहाँ कमाया हुआ धन अगले जीवन में काम नहीं आएगा। विद्या धन ऐसा वेद का अगले में काम आएगा, उससे अगले में भी काम आएगा। तो ये जो धन जो नष्ट नहीं होता, नक्षरती है ना, ये कभी नष्ट नहीं होता, इसकी वैल्यू हमें ज़्यादा देनी है। बाकी सब नष्ट हो जाता है, हमारा शरीर भी नष्ट हो जाता है, हमारे कपड़े भी, मकान भी, दुकान भी। एक दिन ऐसा आता है प्रलय का भी, उससे पहले भी। और जब आप मरे जग पर, जब हम चले गए, तो हमारे तो किसी काम का नहीं रहता ये संसार, अगला जन्म होगा। तो अगले जन्म में भी जो काम आने वाली विद्या है, वेद और सेवा दान, ये इसको इंसान साधना, इसमें ज्यादा ध्यान दे। धन पे भी ध्यान दे, क्योंकि धन के बिना साधना नहीं हो पाएगी। पर उतने ध्यान दे जितनी जरूरत है, और उतना ध्यान दे कि जिससे हमारी रोज की साधना ना छूटे। बस हम उतना धन खूब कमाएं, परंतु धन कमाने में व्यस्त होकर ऐसा न हो कि हमारी रोज की साधना छूट जाए, ये पाप ना हो जाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो, घर सर्व हो जाता है आनंद में, सर्व ही है ना, सर्व नर्तो कि शुद्ध शुद्ध चरित्र वाली नारी, पूता पवित्र मन वाली नारी, इमा सोचिता है ये जो ये नारियां हैं, शुद्ध चरित्र वाले, शुद्ध मन वाले, और यज्ञयाहा यज्ञ करने वाली नारी है ना, ईश्वर कितने अलंकार दे रहा है। नारी हो तो शुद्ध चरित्र वाली, शुद्ध मन वाली है, और शुद्ध यज्ञ करने वाली, यज्ञिया यज्ञशील, यज्ञशीला यज्ञ करने वाली नारी हो, अग्निहोत्र करने वाली नारी हो, वेदों को सुनने वाली नारी हो। फिर आप कर्म वैदिक शुभ कर्मों में लगी हो, शुभ्रा, तो ये शुद्ध जीवन वाले जो नारी हैं, ये चरुण अब सरपंतु ज्ञान का भोजन, चरु अतु ज्ञान का भोजन जो ब्रह्म औदनम है ना, ये भी प्राप्त करने वाली हूँ। नारी के कर्तव्य है थोड़े से ये, और तो बहुत कर्तव्य है, परंतु ये कर्तव्य कैसे बता रहा भगवान कि नारी शुद्ध चरित्र वाली हो, शुद्ध मन वाली। ये नहीं कि पुरुष ना हो, पुरुष का बेड़ा गर्क है अगर वो भी शुभ ना हो। कहीं पुरुष को भगवान ने कहा, कहीं नारी को कहा, दोनों को एक समान ज्ञान दिया है। ये नहीं कि नारी में हो और पुरुष में ना, तो पुरुष का बेड़ा गर्क हो जाता है। दोनों में होना चाहिए। तो शुभ्र शुद्ध जीवन वाली है,
तो चरुम अपसर्पन्तु ब्रह्मोदनम, है ना, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे, सुनती रहे सारे उम्र वेदों को भी, तो खाली समय में स्वाध्याय करे। तो मन ही तो लगाना है ना, विद्वान कहते हैं कि भाई विद्या में लगा दो, आनंद में आ जाओगे, चुगली में और बुरी बातों में लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए इंद्रियों का सुख मिलेगा, फिर बेड़ा बेड़ा हो जाएगा। मन ही लगाना है बस। गलती ये होती है कि हम गलत जगह मन लगा देते हैं, भुगतते रहते हैं। भगवान ने मन लगाने के लिए शरीर मिला है ना, तो भगवान ने जब समय आपके पास से लगाते हो तो अड़ोस पड़ोस में एकदम से परेशानी पैदा हो जाती है, ये पड़ोसन तो मिलती नहीं है, किसी पार्टी में नहीं आती, किट्टी पार्टी में नहीं आती, बड़े बड़े शहरों में तो किट्टी पार्टी में नहीं आती है, फिर उसके नगर में कैसे कैसे टॉन्टिंग वे में बातें करते हैं। तो भगवान कहते हैं इन चीज की चिंता ना करे, उनका बस जन्म बिगड़ गया, वो तो पाप करती हैं ऐसा बोल बोल के। अपने जीवन को संवारने के लिए ये कंडीशन है कि हम किसी की निंदा ना करें, जो कोई हमारी निंदा करता खूब करे, ये हमारे लिए दवाइयां हैं, हमारे लिए मेडिसिन है, निंदा हमारे लिए अमृत है, और कहीं हमारी कोई प्रशंसा करेगा वो हमारे लिए जहर है। इस तरह से जीवन जीना पड़ता है तब आनंद आता है। तो प्रशंसा करो तो समझो बेड़ा गर्क हो जाएगा एक दिन हमारा, ये जहर है प्रशंसा। कोई निंदा करता है तो वो हमारे लिए अमृत है, हम अपने विचारों को शुद्ध रखें हैं। तो फिर ये जो है ग्रहणी न प्रजान, जो संतानी हैं उनको बहुलांत सुन, दूध भी अच्छा भोजन दें, जिससे ये बच्चे पौष्टिक आहार खा करके तंदुरुस्त बने। ये जो कर्तव्य माता का है, पिता तो लाएगा कमा करके, यूटिलाइजेशन जो इस्तेमाल करेगी वो माता करेगी, तो अच्छा भोजन दे। और ओदन से पक्ता ब्रह्मोदनम, है ना, ब्रह्म का ज्ञान दे बच्चों को। तो सुपतान लोकम, तो अच्छे लोक जो है ना, मैंने बताया था कल, याद रखो, एक असुर लोक होता है, शरीर ये रहेगा मनुष्य का, पर वो असुर होगा, उसमें गाली गलौज काम क्रोध मद लोभ ये सब करा पड़ा रहेगा, चोरी डकैती मर्डर ये वो, तो असुर योनि। और सुप्रतान लोकम, ऐसे शुभ लोक, देवलोक ब्रह्मलोक, वो विद्वानों के शरीर होते हैं, वो जिज्ञासुओं के साधकों के शरीर होते हैं। तो हम अपना शरीर साधक का, साधक से बढ़कर के विद्वानों का, देवों का, देवी का शरीर धारण करते रहें मोक्ष तक, है ना। सुखतान लोकम, ये लोकों को ये तुम्हें प्राप्त हुए, ऐसे शुभ कर्म करके कि खाली समय भी हम पति या पत्नी बच्चे अच्छे वेदों के तरफ ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अच्छा भोजन कराएं माता बच्चों को, शिक्षा अच्छी दें, खुद शिक्षा अच्छी लें, पवित्र मन वाली हों, पवित्र और चरित्र वाली हों, यज्ञशील हों, यज्ञ में जाने वाली नारियां हों, वो शिक्षा वहाँ बच्चों को भी दें। तो सुकृतान लोकम, ये तो उनको सुकृतान सुमन सुंदर अच्छा लोकम, अच्छे लोक, अच्छा शरीर, तुम्हें देव देवी का अच्छा शरीर प्राप्त होता है। जब ये वेद मार्ग पर नहीं चलते तो सर राक्षस का शरीर, असुरी नाम के लोक का अंधेन तम साधता ऐसा। और शुद्ध
जो शुद्ध वेद ज्ञान का है उसको पाने वाले जो भी हैं नर नारी कि जो वेद का ज्ञान प्राप्त करते हैं जितेन पोता और अपने मन में जो काम क्रोध और बुराइयां उसको धो डालते हैं वेद ज्ञान प्राप्त करके उसको धो डालते हैं बुराइयों को सोमस्य अंश और सोम शक्ति को शांति सोम आनंद वेद ज्ञान से फिर वो जो चल के आनंद आता है उस शक्ति को प्राप्त करते हैं कि सदा आनंद में रहेंगे न लड़ाई न झगड़ा न कजना तंडुला वासनाओं का नाश करते हैं ये वासनाएं काम क्रोध मतलब या बुरे बुरे ख्याल ये बुरा कर्म करने की मन में भावना आना ये वासनाएं हैं वेद विद्या से ये उनका नाश करते हैं इन बुरी वासना को आने नहीं देते इन्हीं विद्या अब ये पुरुष पुरुषों को लेकर दिया ये पुरुष जो हैं ये जिम्मे जीवन वाले हैं जो बुरी भावना को नहीं देते और जो शुद्ध अशुद्ध वेद ज्ञान वाले हैं और वासना को अपने मान देते सोम रस अपान करते हैं तो ये यज्ञीय पुरुष हैं यज्ञ करने वाले हैं जीवन वाले पुरुष हैं और इनको ईश्वर आगे देता है क्या पुरुषो अतः प्रविशत शुभ कर्मों में प्रवेश कर जाओ यानी वेदों में जो जो शुभ कर्म किए करने की आज्ञा दी है सबसे बड़ा तो यज्ञ कर्म है ना तो आप पुरुषों शुभ कर्म करो वेद वृद्ध अशुभ कर्म न करो जरूर ये जरूर ब्रह्मोदनम है ना ब्रह्म का ज्ञान वो उसको तुम वह प्रतिघृणा तू ग्रहण करो यानी ब्रह्म के ज्ञान को शब्द ब्रह्म को ग्रहण करो है? और इमाम पक्त्वा ये ज्ञान का भोजन है ना उसको सुखतां लोकम एत है तू भी सुख शुभ लोगों को प्राप्त हो जाए जैसे नारी प्राप्त हो जाए वेद मार्ग पर चलकर अपुरुष तू भी देव लोक को प्राप्त हो जाए ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाए और फिर वहां साधना करे वहां से ब्रह्मलीन हो जाए तो ये दो मंत्रों में का भाव यही है कि नर हो चाहे नारी उसको आज्ञा यही दी है कि वेद मार्ग पर चल करके और वो अच्छे जन्मों को प्राप्त करे अगला जन्म अच्छा प्राप्त करे उसने भी वेद मार्ग पर चले उससे अच्छा जन्म प्राप्त करे और इस तरह से वो योनियों में ना भटके मनुष्य के शरीर को प्राप्त करते 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 मोक्ष हो जाए उनका है ना गृहस्थ उनका स्वर्ग में हो कैसे हो वेद मार्ग पर चल करके ना वेद मार्ग पर चल करके